पिछले लेक्चर में आप लोगों को बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ ए और एटॉमिक रेडियस आर के बीच में जो है रिलेशन बताए हुए थे। इस लेक्चर में हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, या उसी को पैकिंग इफिशियंसी भी बोलते हैं। उसको कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं आपको। डायरेक्ट हम नहीं लिख रहे हैं कि इतना परसेंट होता, याद कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आपको बता रहे हैं। पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है या पैकिंग इफिशियंसी, यूनिट सेल के अंदर एटम के द्वारा जितना स्पेस फिलअप होता है, जितना ऐसे स्पेस फिलअप होगा उसे बोलेंगे पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। और एटम से फिलअप करने के बाद यूनिट सेल के अंदर जितना स्पेस वाइट फ्री बच जाएगा, मतलब खाली बच जाएगा, वैकेंट बच जाएगा, या एम्प्टी स्पेस जो बचेगा यूनिट सेल के अंदर, हम उसको वाइट बोलते हैं। उसी को होल या इंटरस्टिशियस भी बोला जाता है। तो उसको कैलकुलेट करके बता रहे हैं आपको। एक्चुअल में पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो एटम का वॉल्यूम और यूनिट सेल के वॉल्यूम का जो है रेशियो होता, अनुपात होता है। तो इसका डिफिनेशन तो वैसे वही लिखेंगे, जो पार्ट जो होगा यूनिट सेल का जो एटम के द्वारा भरा रहेगा उसी को हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी बोलेंगे। द पार्ट ऑफ यूनिट सेल फिल्ड बाय द एटम, यूनिट सेल का पार्ट हिस्सा फिल्ड मतलब भरा रहेगा एटम के द्वारा, इज कॉल्ड कहलाता है पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग फ्रैक्शन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन एटम का वॉल्यूम और पूरे यूनिट सेल के वॉल्यूम का रेशियो है। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब एटम की बात करें तो एटम का शेप स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल शेप का जो वॉल्यूम होगा वो स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर, स्फेयर मतलब गोला, गोला के आयतन के बराबर। तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr³। ये एक एटम एक गोला का आयतन है, लेकिन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में दो एटम होता है, मतलब दो गोला होता है, इसीलिए उसका वॉल्यूम हो जाएगा 2 × 4/3 πr³। ये आपका वॉल्यूम हो गया एटम का, जितना एटम हमारे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में उसका, और बटे में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल तो हमारा क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम होता क्या है, लेंथ का क्यूब, एज लेंथ का क्यूब, किनारे का, लंबाई का क्यूब, तो उसको हम एक क्यूब लिखेंगे। अब इसको पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं, वैसे पाई का वैल्यू 22/7 होता है। पूरा सिंप्लीफाई करिए तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा 99/56 और ये वैल्यू आएगा 0.68। तो पूरा सिंप्लीफाई करिए तो आपको 0.68 आएगा। ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। तो पैकिंग फ्रैक्शन बॉडी सेंटर की क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो होता है वो होता है 0.68। मतलब पूरे फ्रैक्शन तो एक होता है, उसमें 0.68 हिस्सा एटम से भरा रहता है और बाकी हिस्सा एक में से जो रहेगा खाली रहेगा, जिसको हम लोग इस टॉपिक में वॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पे इन परसेंट प्रतिशत में जो पैकिंग इफिशियंसी है, तो फ्रैक्शन को जब आप 100 से गुणा करेंगे तो परसेंट बनेगा। तो 0.68 को 100 से मल्टीप्लाई करिए, 68% आएगा। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में 68% हिस्सा जो होता है वो एटम से भरा होता है, और 68% अगर भरा है तो बाकी का हिस्सा जो है वो खाली रहेगा, जिसको हम लोग वॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पे वॉइड जो लिखे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए होता है 1 पैकिंग फ्रैक्शन बराबर 1 − 0.68 = 0.32। तो वॉइड जो होता है या फ्री स्पेस जो होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में वो 0.68 होता है। और परसेंट की बात करें तो परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई करिए तो 32%। मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, 32% हिस्सा जो है वो खाली रहता है और 68% हिस्सा जो है वो एटम से भरा रहता है। अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, डेंसिटी। तो देखिए क्यूबिक यूनिट सेल के डेंसिटी का फॉर्मूला एक ही होता है, डी बराबर होता है जेड एम बटे में एवोगाड्रो नंबर को एनएस सूचित करते हैं इनटू ए क्यू। ये फॉर्मूला हम कहां से निकाले थे ये आपको बता चुके हैं, जहां पे जेड होता है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल में एटम का नंबर, और ये कैपिटल एम जो है वो मोलर मास है एटम का, एन ए एवोगाड्रो नंबर हो गया, और ए जो है वो क्यूब का एज लेंथ है। तो एक बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में
जेड का वैल्यू जो होता है नंबर ऑफ एटम वो 2 होता है, तो डेंसिटी बराबर हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब a क्यूब। ये डेंसिटी यहां पे लिख दिए है, डेंसिटी ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल जिसको शॉर्ट में बीसी सिम सेल बोलते हैं, तो बीसी सिम सेल बराबर होता है 2m बटे में na इनटू a क्यूब, जहां पे na एवोगाड्रो नंबर है और a क्यूब है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये हमारा इस लेक्चर में हम लोग जान लिए पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं हम लोग, और वॉइड पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का 68% होता है, और वॉइड जो होता है बॉडी सेंटर का वो होता है आपका 32%। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जानेंगे। इस लेक्चर में इतना ही काफी है।